खरगोन जिले के आदिवासी अंचल अंजन गांव में बुधवार तड़के BPCL कंपनी का डीजल पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही झुलसने से मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्रामीणों की भीड़ टैंकर पलटने के बाद मौके पर जुटी थी। देखते ही देखते टैंकर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और मौके पर मौजूद लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। टैंकर में भीषण विस्फोट हुआ और दूर दूर तक आग की लपटें उठने लगी। करीब 4 घंटे तक टैंकर जलता रहा। घटना बिस्टान थाना क्षेत्र में सुबह करीब 4 बजे घटित हुई। सूचना पर अस्पताल में DIG तिलक सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, SP धर्मवीर सिंह, SDM ओम नारायण सिंह सहित अधिकारी पहुंचे। यहां घायलों के हाल जानने के बाद उपचार के हर संभव प्रयास के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि बिस्टान थाना क्षेत्र के अंजन गांव में BPCL कंपनी का पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा है। इस हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। आगजनी में एक की मौत हुई, जबकि 21 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। 3 की हालत गंभीर है, उन्हें इंदौर रेफर कर रहे हैं। फिलहाल उपचार प्राथमिकता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। टैंकर कौन सा गाँव में? अंजन गाँव। कब की बात है? कब की बात है? अरे 3 बजे रात को। सुबह के टाइम? हाँ सुबह के टाइम। कितनी बजे है? कितनी बजे? 4 बजे हो गए। 4 बजे तुम लोग कैसे देखने गए? 4 बजे रात दिया, 6 बजे 5 बजे ऐसा। और यार बबली रे मारते। आप देखने गए थे? हाँ देखने गए थे। कितने लोग गए थे? अरे बहुत ही 100-150। कहाँ की घटना है ये? अंजन गाँव मोड़ पर। कहाँ रोड पर ही है? हाँ। ये आ कहाँ से रहते है? कहाँ से आ रहा था? कहाँ जा रहा था? ये कहीं मालूम कहाँ जा रहा है, इधर से आया जा। क्या पलटी खाया? क्या है? पलटी खाया? हाँ पलटी खाया। आग भी लग गई थी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? भोरेलाल। टैंकर डीजल का टैंकर था, वहाँ पलटी खा गया मोड़ में और ये देखने वाले सब थे, अचानक आग लग गई है। हाँ वो अंजन गाँव मोड़ खा लिया। कितने लोगों की मौत हुई? एक लोगों की बताई जा रही है, 2 लोगों की बताई जा रही है और बाकी 20-25 लोग अभी भर्ती है या जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अच्छा। भर्ती कर दिया गया है। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। फिलहाल जो इलाज भी अच्छा चल रहा है, देखते हैं अभी डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। तो जैसे घटना डीजल का टैंकर डीजल का टैंकर था, इधर से जा रहा था बिलाली साइड से, उसमें पलटी खा गई मोड़ में। तो ये देखने वाले थे, अचानक आग लगने के कारण वो अंदर डीजल था, तो 20 से 25 लोग झुलस गए, उनको अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए और श्रीमान कलेक्टर साहब भी वहाँ यहाँ मौजूद आ गए हैं और उनकी इलाज शुरू हो चुका है। मौत हुई है? क्या मौत हुई है? कोई नहीं, मौत एक ही हुई है, एक था वहाँ पर, एक की मौत और एक बताया जा रहा है। ये घटना सुबह 4:30 से 5 बजे की, 4:30 से 5 बजे। हाँ देखने गए थे। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? भूरमल सिसोदिया, अंजन गाँव। अंजन गाँव मोड़ फैले। हाँ वहीं की है घटना भी, गाँव की। क्या हुआ? क्या था? मतलब टैंकर पलटी खा गया, तो सब देखने के गए थे तो एकदम से ब्लास्ट। कहाँ पर पलटी खाया था? ये अंजन गाँव मोड़ फैले में। तेल का था टंक? नहीं पेट्रोल का। तो आग लग गई थी? हाँ। आप लोग कब क्या करने गए थे? मतलब देख रहे थे, मतलब पलटी खा। कितने लोग मतलब घायल हो गए थे? 100-150 होगा। कितने लोग घायल हो? हाँ ये देखो ना, यहाँ सब हुआ। टैंकर कहाँ से आ रहा था? ये क्या मालूम कहाँ से आया था, हमको नहीं मालूम। हमारे गाँव में पलटी खाया तो देखा हम, फिर उधर तो कोई पेट्रोल पंप का इधर है नहीं, तो क्या मालूम वो क्या करने गया था वहाँ। कहाँ की जा? रोड पे ही हुआ? हाँ रोड पे, छोटा रोड पे। क्या घटना? देखो BPCL के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी, उस पर पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुँच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने BPCL के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है, वो इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है,
जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए। एक की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा जले हुए हैं, उनको प्राथमिक उपचार के बाद हम सीधे इंदौर भेजेंगे। अभी तक कितने लोग जल रहे हैं? ऐसे सब मिला के तो अब तक 22-23 लोग आ गए हैं यहाँ पे। एक दो लोगों के और आने की सूचना है। पेट्रोल का था कि डीजल का टैंकर? वो मिक्स होता है, उनके चार कंपार्टमेंट होते हैं। जो टैंकर जो पता चला है उसमें टैंकर में पेट्रोल भी था और डीजल भी था, अलग अलग। मैंने BPCL के अधिकारियों को बोला है कि अपनी टीम को भेज के वो जाँच कराएं, उनकी टीम खंडवा से निकल चुकी है, वो डिटेल बाद में आएगी। पहली प्राथमिकता तो है कि इनका इलाज हो जाए। किस इलाके में सर घटना? ये बिस्तान के आगे भगवानपुरा में आता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।